नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्वादिष्ट भोजन में आप सभी का। दोस्तों आज हम बनाएंगे बकरे का सर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो पर जो नए हैं नीचे दिए हुए लाल रंग के बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी को बजाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं देखिए एक बकरे का सर ली हूँ, आप देख सकते हो। और उसके बाद इसको मैं अच्छे से धो करके पूरा साफ़ कर ली हूँ। सबसे पहले क्या ज़रूरी बात होता है दोस्तों बकरे के सर में, क्योंकि जब हम लाते हैं मार्केट से बकरे का सर कटा करके, तो क्या होता है अक्सर करके उसमें मीट में बाल रह जाता है। तो हमें सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें पूरा सर को, पूरा बकरे को अच्छे से साफ़ करके उसको रखना है। तो अब हमें इसको बनाने के लिए क्या क्या लगेगा तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। उसके बाद यहाँ पे ली हूँ अदरक, आप देख सकते हो, और लहसुन ली हूँ और दो प्याज ली हूँ और थोड़ा सा खड़े मसाले ली हूँ, जिसमें तीन ठी छोटी इलायची, दालचीनी, एक लौंग है आप देख सकते हो। इस सब को हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो अच्छे से इसको हम बारीक पूरा पीस करके अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं मसाले का पेस्ट अच्छे से बना ली हूँ। उसके बाद हम रखेंगे कुकर, और कुकर गर्म होने के बाद हम डालेंगे उसमें तेल। तो तेल थोड़ा हम दोस्तों ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि हम बकरे का सर बनाएंगे तो उसमें थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है, इसलिए हम तेल को डालने के बाद, हम तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर एक चम्मच जीरा डालूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं तेज़पत्ता डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी एक, और उसके बाद थोड़ा भुनने के बाद यहाँ पर खड़े मसाला थोड़ा डालूँगी। ये देखिए इन सबको हम डाल देंगे। उसके बाद प्याज डाल देंगे इतना सा। देखिए अब इन सबको अच्छे से थोड़ा सा हम लाल होने तक का भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों अच्छे से हमारा प्याज लाल हो गया है। अब हम ये बकरे के सर को उठा करके हम डालेंगे। आप चाहो तो उबाल भी सकते हो दोस्तों, पर यहाँ पे मैं उबाल करके नहीं, मैं ऐसे ही बना रही हूँ, डायरेक्ट बना रही हूँ, आपको आसानी है, वो जल्दी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो मसाले ली थी वो डाल देंगे सब। और उसके बाद ये पेस्ट जो बनाई थी वो भी इसी टाइम में डाल दूँगी। उसके बाद पेस्ट डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं नमक डाल दी हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें दोस्तों। इस सबको डालने के बाद हम अच्छे से अब हम मसाले को मीट में मिलाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे मैं अलग तरीके थोड़ा सा बकरे के सर को बना रही हूँ, आप भी चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बनाने से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दोस्तों मैंने पहले भी मटन के ऊपर वीडियो बनाई हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एक चम्मच घी डालूँगी, घी भी मैं इसी टाइम डाल दूँगी। और घी को डालने के बाद अच्छे से मैं घी को भी मीट में मिलाएंगे। देखिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे मैं पानी डालूँगी, पानी आप अपने हिसाब से डालें दोस्तों, आपको पानी कितना चाहिए। यहाँ पे मैं दो गिलास पानी डाल रही हूँ। देखिए पानी डालने के बाद दोस्तों अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम चार सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों चार सीटी हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस की आंच बंद करके और कुकर को ठंडा होने के बाद हम मीट को सर्व करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैं मीट को सर्व कर दी हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।